नमस्कार दोस्तों, द एग्ज़ाम हैकर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म या पर्यावरणीय नियतिवाद या वातावरणीय नियतिवाद को आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं। इससे पहले हम लोग डिटर्मिनिज्म को एक अलग सेपरेट वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, वो प्लेलिस्ट में दे दिया गया है। यदि उस वीडियो को आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके उस वीडियो को देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म होती क्या है। तो इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म क्या बोलता है कि जो हमारा इन्वायरमेंट है वो डिसाइड करता है कि ह्यूमन का बिहेवियर कैसा होगा। ठीक है, ये ह्यूमन हो गया। तो ह्यूमन का जो बिहेवियर, जैसे एक्टिविटीज हो गए या ह्यूमन का जो हैबिटेट हो गया, बिहेवियर हो गया, ये सब किसके द्वारा डिसाइड होता है? इन्वायरमेंट के द्वारा। इन्वायरमेंट के द्वारा, इन्वायरमेंट डिटर्मिनिज्म क्या होता है कि इन्वायरमेंट के द्वारा डिसाइड होता है कि ह्यूमन का एक्टिविटीज़ कैसा होगा, ह्यूमन का हैबिटेट कैसा होगा और बिहेवियर कैसा होगा। एक्टिविटीज़ में क्या क्या आते हैं उसको भी देख लेते हैं। एक्टिविटीज़ में जैसे उसका क्रॉपिंग, कौन सा क्रॉप ग्रो करेगा एक्टिविटीज़ में आएगा। ठीक है, वो कैसा हैबिटेट, उसका रहन सहन, वहाँ पे स्थान कैसा है, ह्यूमन का स्थान भी, जैसे हाउसिंग का पैटर्न, वो सब इन्वायरमेंट द्वारा डिसाइड होगा। बिहेवियर, बिहेवियर मान लो वो बोल्ड है या कावर्ड है या उत्साही है या चोर है, ये सब बिहेवियर में आएंगे। बिहेवियर भी इन्वायरमेंट द्वारा डिसाइड होता है, ऐसा इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म का मानना है। और दूसरी बात, और क्या बोलता है इन्वायरमेंट डिटर्मिनिज्म, कि कोई एक बंदा यदि एक इन्वायरमेंट रहता है, मान लो यहाँ पे माउंटेन माउंटेन या हिली एरिया में रहता है और दूसरा बंदा प्लेन एरिया में रहता है, तो इन दोनों के एक्टिविटी एक्टिविटीज बिहेवियर में डिफरेंसेस पाए जाएंगे और वो डिफरेंसेस इन्वायरमेंट की वजह से आएंगे। तो हम लोग दो चीज़ यहाँ देखें कि इन्वायरमेंट डिसाइड करता है ह्यूमन का एक्टिविटीज बिहेवियर या हैबिटेट कैसा रहेगा, और दूसरी बात कि दो बंदों का बिहेवियर एक्टिविटीज़ ह्यूमन में डिफरेंस पाया जाएगा यदि दो बंदे अलग अलग इन्वायरमेंट में रहते हों। तो आई होप आपको सिंपल समझ में आ गया होगा क्या 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 होती है इन्वायरमेंट डिटर्मिनिज्म। तो देखते हैं आगे क्या है। तो यहाँ पे है, इस पर इन्वायरमेंट डिटर्मिनिज्म, सराउंडिंग इन्वायरमेंट इज मेन डिसाइडिंग फैक्टर ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। ह्यूमन बिहेवियर का डिसाइडिंग फैक्टर कौन सा है? उसके आसपास का इन्वायरमेंट या पर्यावरण। एंड डिफरेंसेस इन ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन बिहेवियर के जो डिफरेंसेस होते हैं कैन बी नोटिस्ड बाय डिफरेंसेस इन इन्वायरमेंट अराउंड द वर्ल्ड। ठीक है, इसका सिंपल हो गया। और उसके बाद देखते हैं जो फेमस मिस इलेन चर्चिल सिंपल, जो एक अमेरिकन जियोग्राफर हैं, उन्होंने एक बुक में, जो बुक का नाम है उसको भी आपको याद रखना है, इन्फ्लुएंसेस ऑफ जियोग्राफिकल इन्वायरमेंट, उन्होंने क्या किया, इन्वायरमेंट डिटर्मिनिज्म को सपोर्ट किया बहुत ही डिटेल में। तो देखते हैं इलेन चर्चिल सिंपल क्या बोलती हैं। मैन इज ए प्रोडक्ट ऑफ ह्यूमन सरफेस, यानी नेचर के द्वारा ही किसको बनाया गया, ह्यूमन को बनाया गया। ह्यूमन को बनाने से पहले उनके हैबिटेट को बनाया गया। ठीक है, हैबिटेट ऑफ ह्यूमन इज मेड बाय इन्वायरमेंट, यानी इन्वायरमेंट ने ही एक ऐसा हैबिटेट क्रिएट किया जिसमें ह्यूमन सर्वाइव कर सके। यहाँ पे एटमॉस्फेयर कैसा रहेगा, क्या ये खाएंगे, कैसे रहेंगे, क्या क्या जरूरत होगी, सब चीज़ इन्वायरमेंट द्वारा डिसाइड किया गया ह्यूमन के हैबिटेट। ऐसा बोलती है कि ह्यूमन इज प्रोडक्ट ऑफ अर्थ सरफेस, ये आपको याद रखना है। ठीक है, एक कीवर्ड होते हैं इलेन चर्चिल सिंपल का बोलना है। और बोलती है एक्टिविटीज ऑफ ह्यूमन आर डिसाइडेड बाय इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट का एक्टिविटीज़ कैसा होगा, ह्यूमन का एक्टिविटीज़ कैसा होगा वो भी इन्वायरमेंट द्वारा डिसाइड होता है। वो आगे इन्होंने डिटेल में कुछ एग्जाम्पल देते हैं। जैसे बोलती हैं कि मेडिटेरियन रीजन, जहाँ मेडिटेरियन सी है उसके अराउंड में जो रीजन है, वहाँ के लोग जो होते हैं
इंथुसियम होते हैं, उत्साही होते हैं और हैप्पी खुश होते हैं और सिंपल होते हैं। तो वहाँ क्या है, वहाँ के इन्वायरमेंट ने ऐसे बंदों को मतलब ऐसा एक्टिविटी प्रोड्यूस करता है, यानी इन्वायरमेंट वहाँ पर बोलता है कि वहाँ के बंदे उत्साही होते हैं, हैप्पी होते हैं, सिंपल होते हैं। तो इन्होंने एक ऑब्जर्वेशन के थ्रू बोला। और क्या बोलती हैं कि जो यहाँ पे जैसे हम लोग देखते बेसिक डिफरेंस, माउंटेनियस रीजन के जो पीपल होते हैं उसकी एक्टिविटी और प्लेन एरिया के जो ह्यूमन होते हैं उनकी एक्टिविटी में डिफरेंसेस पाए जाते हैं। वो किसके वजह से होते हैं, इन्वायरमेंट की वजह से होते हैं। सिंपल क्या बोलती है कि माउंटेनियस वजह जो होते हैं माउंटेनियस रीजन के जो पीपल होते हैं वो क्या होते हैं, ब्रेव होते हैं, बोल्ड होते हैं, सिंपल एंड हॉनेस्ट होते हैं एंड कंजर्वेटिव होते हैं, यानी नए थिंकिंग नहीं लाते, पुराने थिंकिंग रहते हैं, ऑर्थोडॉक्स यानी जल्दी चेंज नहीं करते, पुराने थिंकिंग वाले होते हैं एंड डू नॉट डू इनोवेशन, कोई नवाचार नहीं करते हैं। और जनरली जो रोबर कैरेक्टर फाउंड होता है कहाँ, जो माउंटेनियस के पासेस होते हैं, यानी एक माउंटेन ये दो माउंटेन हो गए इसके बीच में जो पासेस होते हैं, यहाँ पे जो रहने वाले बंदे होते हैं वो क्या होते हैं, रोबर होते हैं, डाकू होते हैं। तो ऐसा चर्चिल सिंपल बोलती है, ठीक है, एलन चर्चिल सिंपल ऐसा बोलती है। और जो प्लेन एरिया के पीपल होते हैं इनके अपोजिट, जैसे वहाँ के लिबरल होते हैं, यहाँ पे कंजर्वेटिव थे, प्लेन एरिया लिबरल होते हैं, यहाँ पे इनोवेटिव नहीं होते थे, यहाँ पे इनोवेटिव होते हैं, यहाँ पे प्रोग्रेसिव होते हैं, ऑर्थोडॉक्स नहीं होते हैं और एडॉप्ट न्यू आइडिया क्विकली। प्लेन एरिया में क्या होते हैं, इसके अपोजिट व्यू पाए जाते हैं। ये किसकी वजह से, इन्वायरमेंट की वजह से है, ऐसा एलन चर्चिल बोलती हैं। फिर होते हैं क्लेवर होते हैं, यहाँ पे सिंपल होते थे और दे मेक फूल टू अदर बट कावर्ड होते हैं, ठीक है। और प्लेन माउंटेन में क्या होते हैं, ब्रेव होते हैं। तो इसका अपोजिट बिहेवियर जो मिलता है वो हमारा इन्वायरमेंट के डिफरेंसेस की वजह से मिलता है, ऐसा एलन चर्चिल बोलती हैं। तो एलन चर्चिल का अभी हम लोग व्यू देख लिए इन्वायरमेंट डिटर्मिनिज्म में क्या व्यूज हैं। और उसके बाद देखते हैं जो अदर जो अमेरिकन ज्योग्राफर हैं उनका नाम है हंटिंगटन, ठीक है। उन्होंने बुक में क्या लिखा है, द प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, उन्होंने इन्वायरमेंट डिटर्मिनिज्म को सपोर्ट किया। तो दो फेमस ज्योग्राफर कौन कौन, एलन चर्चिल सिंपल और हंटिंगटन, दोनों ने इन्वायरमेंट ज्योग्राफी को सपोर्ट किया। तो हंटिंगटन क्या बोलते हैं उसको देखते हैं। इन्होंने बोला जो ह्यूमन का बिहेवियर होता है वो किसके द्वारा डिसाइड होता है, क्लाइमेट के द्वारा डिसाइड होता है, पर्टिकुलर रीजन का क्लाइमेट के द्वारा डिसाइड होता है। जैसे मान लो इंडिया के एग्जाम्पल ले जाए, इंडिया में क्या है, मानसून क्लाइमेट है, तो यहाँ पर क्या होती है, रेन गॉड की पूजा होती है, यानी वर्षा कराओ, यानी यहाँ पर इंदिरा की पूजा का प्रोविजन है। तो क्या हुआ कि जहाँ का बिहेवियर जो होती है उन्हें क्या हुआ, उस जो क्लाइमेट है उसके वजह से उनका बिहेवियर डिसाइड होता है। मान लो फॉरेस्ट में रहने वाले जो बंदे हैं वो किसकी पूजा करते हैं, रिवर की पूजा करते हैं, फॉरेस्ट की पूजा करते हैं, पेड़ों की पूजा करते हैं, ठीक है। तो उनका बिहेवियर क्या होता है, वहाँ का जो क्लाइमेट है वो कैसे क्लाइमेट बनाते हैं उसके द्वारा डिसाइड होता है, ऐसा हंटिंगटन बोलते हैं। दूसरा क्या बोलते हैं, वेरिएशन इन सिविलाइजेशन सुप्रीमेसी ऑल्सो बाउंड बाय क्लाइमेट, यानी क्लाइमेट के द्वारा ही उनकी सिविलाइजेशन की सुप्रीमेसी बाउंड होती है। जैसे एग्जाम्पल देते हैं, जो पुराने सिविलाइजेशन थे वो सुप्रीम यानी अच्छे पोजिशन पहुँचे, क्यों, क्योंकि वहाँ पे रिवर वैली सिविलाइजेशन होती थी। कोई भी पुराना सिविलाइजेशन आप देख लीजिए, जो चाइना सिविलाइजेशन है वो भी रिवर के किनारे फैली थी, और जो इंडस वैली सिविलाइजेशन वो भी रिवर किनारे नील नदी के किनारे फैली थी। तो क्या हुआ, जो सुप्रीमेसी होती है सिविलाइजेशन की वो भी क्लाइमेट, अच्छी क्लाइमेट हो तभी सुप्रीमेसी होती है, ऐसा हंटिंगटन बोलते हैं। फिर वेरिएशन इन क्लाइमेट लेड टू वेरिएशन इन कल्चर, एक दूसरे के कल्चर को डिफरेंस को समझने के लिए वहाँ की जो इन्वायरमेंट होती है वो मेन रोल निभाती है। और उन्हें जैसे रिलीजन एंड रेसियल कैरेक्टर आर प्रोडक्ट ऑफ क्लाइमेट, यानी उन्होंने क्लाइमेट को मेन सुप्रीमेसी माना, क्लाइमेट जैसा रहेगा वैसा वहाँ पे कल्चर होगा, बिहेवियर होगा, वुमन का रिलीजन होगा, रेसियल होगा, सब कुछ क्लाइमेट के द्वारा डिसाइड होगा, ऐसा हंटिंगटन मानते हैं। फिर उन्होंने बोला कि जो आइडियल क्लाइमेट होती है वो 20 डिग्री टेम्परेचर की होती है, आइडियल क्लाइमेट जहाँ पे हाई मेंटल और फिजिकल प्रोडक्टिविटी होती है। उन्होंने नॉर्थ ईस्ट यूएसए का नॉर्थ ईस्ट पोर्शन जो यूरोप साइड है, और यूके और नॉर्थ वेस्ट यूरोप को बेस्ट क्लाइमेट माना, और वहाँ पे बोला कि यहाँ पे इनोवेटिव और लिविंग अच्छी होती है क्योंकि वहाँ पे 20 डिग्री टेम्परेचर का क्लाइमेट है।
इंडस्ट्रियल, इन्होंने एग्जाम्पल दिया इंडस्ट्रियल जो रिवोल्यूशन हुआ वहीं से स्टार्ट हुआ क्योंकि वहाँ पर आइडियल क्लाइमेट है। तो क्या बोला, क्लाइमेट यहाँ पर सुप्रीम रोल अदा करती है हंटिंगटन, तो आपको याद रखना है। नीचे से एग्जाम्पल दिया इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या है, इंडस रिवर के किनारे फैली थी, और मेसोपोटामिया जो सिविलाइजेशन है वो नील नदी के किनारे फैली थी, चाइनीज सिविलाइजेशन जो है येलो रिवर के किनारे फैली थी। इन्होंने कुछ एग्जाम्पल दिया कि वहाँ की क्लाइमेट अच्छी थी इसलिए सिविलाइजेशन अच्छी हुई, ठीक है। तो रिवर्स है, क्लाइमेट अच्छी रहेगी तो सिविलाइजेशन भी अच्छी रहेगी, क्लाइमेट बेकार रहेगी तो सिविलाइजेशन बेकार रहेगी। इन्होंने बोला कि जैसे मंगोलियन अटैकर जो होते थे, क्यों, क्योंकि वहाँ की क्लाइमेट हार्श हुआ करती थी, वहाँ पे रिसोर्स की कमी थी, क्लाइमेट अच्छी नहीं थी, तो वहाँ से अटैकर बन गए, ठीक है। वहाँ क्लाइमेट अच्छी नहीं थी इसलिए अटैकर बन गए। और जो हॉट ह्यूमिड और हार्श वेदर होते हैं वहाँ पर लेजी इनइफिशियंट सस्पिशियस करेक्टर डेवलप होता है। उन्होंने बोला कि जो मेन जो इक्वेटोरियल रीजन होती है वहाँ पे जो अनडेवलपमेंट का मेन रीज़न होती है वहाँ पे क्लाइमेट, इसकी वजह से वहाँ के पीपल जो है डेवलप नहीं करते हैं, इन्होंने हंटिंगटन ने ऐसा बोला। तो क्लाइमेट क्या है या इन्वायरमेंट एक इम्पोर्टेंट डिटरमाइन करता है कि वहाँ की डेवलपमेंट कैसे होगी। अब देख लेते हैं कि आलोचना क्या क्या है। तो जैसे इन्वायरमेंट डिटरमिनेशन क्या बोला कि मैन क्या है, एक पैसिव एनिमल है, वो इन्वायरमेंट कैसा होगा, वहाँ पे क्लाइमेट कैसा होगा, इस पे डिटरमाइन किए जाएंगे कि वहाँ उसकी एक्टिविटी कैसे होगी, ठीक है। तो मैन कैन नॉट क्रिएट एंड चेंज द नेचर इन्वायरमेंट, इसका मतलब है कि ह्यूमन क्रिएट नहीं कर सकती जो डिटरमिनेंट जो बोलते हैं, बट आलोचना क्या बोलते हैं, मैन कैन क्रिएट द ह्यूमन एंड नेचर इन्वायरमेंट। और एग्जाम्पल क्या क्या है, जैसे ह्यूमन क्या करता है, डैम बिल्डिंग कर सकता है, यदि पानी की कमी है तो पानी को स्टोर भी कर सकता है, यानी वो इन्वायरमेंट जैसा रखना चाहती है वैसा, जरूरी नहीं कि ह्यूमन रहे, वो डैम क्रिएट करके पानी को स्टोर भी कर सकती है, वो रेनफॉल या इंदिरा भगवान पे रिलाई नहीं करती है। रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट, यदि एक रिवर सूख रही है दूसरी रिवर बहुत ज़्यादा पानी है तो रिवर को लिंक करके भी ह्यूमन क्या करते हैं, नेचर का जो रहने का रखने का तरीका है उसके अगेंस्ट में क्रिएट कर सकती है। आर्टिफिशियल रेनिंग भी करा सकती है, आजकल आर्टिफिशियल रेनिंग भी होती है चाइना में बहुत सारे आर्टिफिशियल रेनिंग भी कराए गए हैं। ग्रीन रिवोल्यूशन एक अच्छा खासा एग्जांपल है कि बंजर भूमि में भी अच्छी खासी खेती हो सकती है। मान लो एक भूमि है वहाँ पे सिर्फ मक्का की खेती होती थी, तो जरूरी नहीं कि मक्का की खेती होगी, आजकल फर्टिलाइजर इरीगेशन फैसिलिटी से वहाँ पे धान की खेती भी की जा रही है। तो क्या है, ये नेचर के अगेंस्ट है या नेचर से ज़्यादा सुप्रीम क्या है, ह्यूमन का एक्शन है, ये दर्शाता है। या हाइड्रोकल्चर, उसमें क्या है कि सॉइलनेस फार्मिंग होती है, बिना सॉइल की फार्मिंग होती है। ग्रीन हाउस एग्रीकल्चर, ये भी एग्जांपल है टेक्नोलॉजी इनोवेशन के थ्रू क्या करते हैं, मैन खुद ही अपना इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकता है अपने अकॉर्डिंग जैसा वो चाहता है। तो क्या है, ये क्रिटिसिज्म है कि इन्वायरमेंट जो है ह्यूमन एक्टिविटी को कंट्रोल नहीं करती है, ह्यूमन खुद अपने लिए आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट बना सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं, ऐसा क्रिटिसिज्म है। यानी ये जो सिंपल है हंटिंगटन का जो व्यूज़ है वो गलत है, क्रिटिसाइज आप करते हैं। और भी एग्जांपल देते हैं, जो टू इथनिक रेस ग्रुप कैन बी फाउंड इन सेम लोकेशन, यानी हंटिंगटन क्या बोलते हैं कि सिंपल क्या बोलती हैं कि जो माउंटेन एरिया के जो पीपल हैं वो ब्रेव हैं, ठीक है, प्लेन एरिया क्या है, कावर्ड है। तो जरूरी नहीं है कि यहाँ पे या सेम रेस, मतलब जनरलाइज होने के लिए माउंटेन एरिया के जो पीपल हैं सब ब्रेव हैं, तो ऐसा नहीं है। वहाँ पे ये बोलते हैं कि जैसे नॉर्थ ईस्ट का एग्जांपल ले लीजिए, नॉर्थ ईस्ट में क्या हिली एरिया है, ठीक है, लेकिन वहाँ पे एक इथनिक या रेस ग्रुप नहीं पाया जाता, तो वहाँ पर मल्टी इथनिक ग्रुप या मल्टी लैंग्वेज कल्चर है। तो ये कहना गलत होगा कि माउंटेन एरिया के पीपल एक जैसे होते हैं, तो ये भी क्रिटिसाइज करते हैं कि सेम लोकेशन में अलग अलग इथनिक ग्रुप रेस ग्रुप पाए जाते हैं। सेम इन्वायरमेंट हैज़ डिफरेंट मीनिंग टू डिफरेंट पीपल, जैसे एक इन्वायरमेंट है, कोई अलग परसीव करता है, मेंटल मैप आप आगे पढ़ेंगे, ठीक है, अलग परसीप्शन, वो अलग ही समझता है कि इन्वायरमेंट कैसा है, वो अपने अकॉर्डिंग उसको समझता है। कुछ कंजर्वेटिव सोचता है कि नहीं इन्वायरमेंट के अगेंस्ट नहीं करना चाहिए, कुछ सोचता है नहीं इनोवेटिव के थ्रू हम कर सकते हैं। जैसे जीता जाता है एग्जाम्पल है कि जो इसराइल और जॉर्डन जनरली एक ही जैसे क्लाइमेट है, एक ही जैसे लोकेशन है, बट इजराइल क्या है,
बहुत ही ज़्यादा डेवलप है और इनोवेटिव है, ठीक है। और जॉर्डन यहाँ पे आप देखोगे पिछड़ा हुआ है, क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो पीपल का एटीट्यूड डिसाइड करता है कि डेवलपमेंट कैसा होगा, ठीक है। पीपल का एटीट्यूड क्या है, बहुत ही इनोवेटिव है इसराइल में, जॉर्डन में कम है, जबकि सेम क्लाइमेट है। तो क्या है, इन्वायरमेंट डिटर्मिनिज्म, जैसा नहीं, जैसा बोलते इन्वायरमेंट डिटर्मिनिज्म होना चाहिए वैसा नहीं, इन्वायरमेंट इसको डिसाइड नहीं कर रही है, यहाँ पीपल का एटीट्यूड डिसाइड कर रही है क्या कैसे होंगे। तो इसको आप एग्जांपल में दे सकते हो। यहाँ पे नेचर इन जैसे नेचुरल एंड मिनरल रिसोर्स क्या जापान में बहुत ही कमी है, लेकिन वहाँ पे देखोगे स्टील का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है, बट आयरन ओर वहाँ पे नहीं है। टेक्नोलॉजी वहाँ पे अच्छी है बट आयरन ओर नहीं है। तो वहाँ पे क्या है, पीपल का एटीट्यूड, उन्होंने टेक्नोलॉजी डेवलप किया, आयरन ओर कहीं और से इम्पोर्ट कर रहे हैं, तो वहाँ पर अभी क्या है, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट है जापान में, ठीक है। जबकि इन्वायरमेंट वहाँ पर ऐसा नहीं है, फिर भी बहुत डेवलप है। तो इसको क्रिटिसाइज करते हैं जापान के एग्जांपल देके। और जैसे अफ्रीका में बहुत ज़्यादा रिसोर्सेस हैं, बट वहाँ अफ्रीकन पीपल क्या है, पुअर हैं, क्योंकि वहाँ पे जो एटीट्यूड या इनोवेशन उतनी अच्छी नहीं है, इसलिए पुअर हैं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया हो कि इन्वायरमेंट डिटर्मिनिज्म क्या होती है। हमने दो व्यू देखे, एलन चर्चिल का और हटिंगटन का, और क्रिटिसिज्म भी देखे, क्या क्या क्रिटिसिज्म होते हैं। लास्ट में हम लोग देखते हैं एक सैम्पल क्वेश्चन जो यूपीएससी एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। तो 2013-15 नंबर का क्वेश्चन है, एलन चर्चिल सैम्पल इज ए ऑर्डेंट सपोर्टर ऑफ डिटर्मिनिज्म, एक्सप्लेन करना है। एलन चर्चिल सैम्पल नीतिवाद के प्रबल समर्थक थे। अभी आपको पता होगा एलन चर्चिल क्या बोलते हैं कि मैन क्या है, इन्वायरमेंट का प्रोडक्ट है, ठीक है, प्रोडक्ट है। और ह्यूमन का एक्टिविटी क्या है, इन्वायरमेंट द्वारा डिसाइड होती है। ह्यूमन की एक्टिविटी के बिहेवियर को के डिफरेंसेस को इन्वायरमेंट के डिफरेंसेस से समझा जा सकता है। और एलन चर्चिल क्या बोलती है, मेडिटेरियन रीजन का एग्जांपल देती है, वहाँ के पीपल क्या होते हैं, बहुत ही सिंपल होते हैं और इंथुसिज्म होते हैं, ठीक है। और माउंटेन एरिया के पीपल क्या होते हैं, बोल्ड होते हैं, ब्रेव होते हैं, और क्या होते हैं, ये सब एग्जाम्पल दिया, यानी कि प्रबल समर्थ कर दिया कि इन्वायरमेंट ही डिसाइड करता है ह्यूमन का बिहेवियर। तो ये सब को आपको लिख सकते हो, एक्सप्लेन करने के लिए बोला 13-15 नंबर का है, तो आप इजीली इसको अटेम्प्ट कर सकते हो यदि आपने इस वीडियो लेक्चर को अच्छे से पढ़ा है। तो आई होप दोस्तों आपको लेक्चर पसंद आया होगा। यदि पसंद आया होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, थैंक यू।